राहुल गांधी इतने जोश में हैं जैसा लग रहा है कि तेलंगाना जीत कर मानेंगे। राहुल पूरी तेलंगाना को समझा रहे हैं कि बीजेपी से केसीआर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी मिले हुए हैं। बीआरएस को तो राहुल ने बीजेपी रिश्तेदार समिति नाम दे ही रखा है। इस बार तेलंगाना में ओवैसी की पोल खोल दी है। सीधा आरोप लगाया है कि कांग्रेस की जहां जहां बीजेपी से सीधी टक्कर है वहां ओवैसी की पार्टी बीजेपी से पैसे लेकर उम्मीदवार उतार रही है। जहां भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है एक्ड़े कांग्रेस पार्टी एन कोटी चेस्तो महाराष्ट्र हो महाराष्ट्र कावी राजस्थान राजस्थान कावी उत्तर प्रदेश जहां भी हम जाते हैं उत्तर प्रदेश यानी एक्ना कांग्रेस पार्टी पोटी चेस्ते वहां पे जादू से एमआईएम के कैंडिडेट आ जाते अकड़ा सड़न का एमआईएम कैंडिडेट प्रत्यक्ष अतर और सारे के सारे कैंडिडेट जो आते हैं वो बीजेपी की मदद करने वाले कैंडिडेट आते हैं एवरेवरते एमआईएम कैंडिडेट वस्तारो वालू भारतीय जनता पार्टी अभ्यर्थुकी सहाय पड़ा की मतमे वस्तारो तो ये भी एमआईएम वाले लोग पैसा लेकर 24 घंटा बीजेपी की मदद करते हैं। बीजेपी के बी टीम वाला आरोप ओवैसी पर पुराना है। ओवैसी बीजेपी और कांग्रेस दोनों का विरोध करते दिखे हैं, लेकिन फिर भी न्यूट्रल नहीं माने जाते। अब न जाने क्यों उन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। कांग्रेस काम कर रही है इसीलिए कांग्रेस को बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा तकलीफ तो हुई अच्छी बात है, मगर ये क्या बात है कि राहुल गांधी थोड़े पढ़े लिखे नजर आते थे मुझे, बिल्कुल ही थम्स अप निकले वो तो। असदुद्दीन ओवैसी आसाम त्रिपुरा में इलेक्शन लड़ते हैं, अरे मैं कहां गया भाई आसाम को ना त्रिपुरा गया मैं, आप जाओ बोले तो जाता हूं मैं, अब तो मेरे को जाना पड़ेगा। हर अनेक तोते की तरह कोई लिख दिया इनको सेनोग्राफर इनको पढ़ के सुनाते, अरे अपने दिमाग पे जोर डालो, फर्स्ट फ्लोर है नहीं है। सोचो हजरत गूगल पर जाके देखो इन असम लड़े नहीं लड़े त्रिपुरा लड़े नहीं लड़े, नहीं नहीं मंजलिस को पैसे मिलते, बीजेपी पैसे देती मंजलिस को। राहुल गांधी तुम नहीं जानते हम लोगों को, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम उनके गुलामों के गुलाम हैं, और जमीर बेचना ईमान बेचना दौलत के लिए हमारी फितरत में नहीं है। राहुल गांधी केसीआर पर ज्यादा बोलते हैं, ओवैसी पर बहुत कम, लेकिन ओवैसी राहुल को सीधी फाइट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हिम्मत है तो हैदराबाद से चुनाव लड़कर दिखाएं। ये चैलेंज बार बार दोहरा रहे हैं ओवैसी। 28 नवंबर तक आप एक ही बात सुनेंगे, मोदी आएंगे स्टेयरिंग इनके हाथ में है, राहुल आएंगे ओवैसी बी टीम है। राहुल गांधी कोई बी टीम वी टीम नहीं है, अगर तुम बी टीम बोलेंगे तो तुम कौन सी टीम के मैं बोलूं तुमको, तुम कहां से आए बोलूं मैं तुमको। बहरहाल मैं तो बोल चुका हूं राहुल गांधी आओ हैदराबाद में मुकाबला करो मेरा पार्लियामेंट इलेक्शन में, क्यों ये बातें करते आओ हैदराबाद में पंजाब से जमहूरी तरीके से देख लेंगे, अरे तुम यहां वहां फिर क्या बोलते, आओ ना हैदराबाद को मुकाबला करो मेरे से। तेलंगाना में एक वीडियो वायरल है जिसमें प्रचंड चुनावी माहौल के बीच में ओवैसी किसी कार्यक्रम में तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष किशन रेड्डी से मिले और किनारे जाकर कुछ खुसर-पुसर भी की थी। ओवैसी का बीजेपी के साथ अलायंस नहीं है, लेकिन एआईएमआईएम का केसीआर के साथ फ्रेंडली अलायंस है। ओवैसी केसीआर को मुस्लिम वोट दिलाने में मददगार होते हैं। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी बीजेपी बीआरएस ओवैसी को चड्डी गैंग का नाम देते हैं। 2018 के चुनाव में ओवैसी ने तेलंगाना में 8 सीटें लड़कर 7 सीटें जीत ली थी। ओवैसी की पार्टी हैदराबाद तक सीमित मानी जाती है, लेकिन देश में कहीं भी चुनाव हो एआईएमआईएम के उम्मीदवार उतरते जरूर है। आंध्र तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र गुजरात बिहार यूपी झारखंड तमिलनाडु उत्तराखंड बंगाल तक एआईएमआईएम ने चुनाव लड़े हैं। आरोप लगता है कि ओवैसी विपक्ष के वोट काटकर बीजेपी को फायदा कराते हैं। राहुल ने खुलकर बोल दिया तो ओवैसी को बुरा लग गया। जहां भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है
ఎక్కడెక్కడైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తుందో మహారాష్ట్ర కానివ్వండి, రాజస్థాన్ రాజస్థాన్ కానివ్వండి, ఉత్తర్ ప్రదేశ్ జహాం జాతే ఉత్తర్ ప్రదేశ్ కానీ ఎక్కడైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ పోటీ చేస్తే వాపే జాదూ సే ఎంఐఎం కే కెండిడేట్ ఆ జాతే అక్కడ అక్కడ సడన్ గా ఎంఐఎం క్యాండిడేట్ ప్రత్యక్షం అవుతారు ఓర్ సారే కే సారే క్యాండిడేట్ జో ఆతే వో బీజేపీ కి మదత్ కర్నే వాలే క్యాండిడేట్ ఆతే ఎవరెవరైతే ఎంఐఎం క్యాండిడేట్లు గా వస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థులకి సహాయపడడానికి మాత్రమే వస్తారు సో ఏది ఎంఐఎం వాలే లోక్ పైసా లేకర్ 24 ఘంటా బీజేపీ కి మదత్ కర్తే హై. हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में चुनावी माहौल जो है वो कितना फेर बदल करता है. बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक.